गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सचिन दुबे, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग से। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टैक्स होता क्या है, आखिर ये टैक्स लगाता कौन है, किसके ऊपर लगाया जाता है और ये टैक्स नाम की बीमारी होती क्या है। इसलिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टैक्स के विषय में होता क्या है कि अपनी पब्लिक को गवर्नमेंट के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जैसे अच्छे रोड हो, अच्छे डैम हो, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, अच्छे स्कूल फैसिलिटी हो, पॉवर्टी कम से कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कोई पर्सन तो है नहीं जिसके पास तमाम फंड पड़े हुए हैं और वो तुरंत जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक पॉलिसी तैयार करे और पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चालू कर दे। इसलिए गवर्नमेंट के पास भी फंड की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आम पब्लिक से कि आप ऐसा करो कि आपको जो भी कमाना हो आप कमाओ, लेकिन आप अपने इनकम का कुछ पोर्शन आप हमें दो ताकि हम उस फंड को कलेक्ट करके आपके ही पब्लिक वेलफेयर के लिए हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सके। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर करना है तो गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू दो होते हैं, एक होता है टैक्स, दूसरा होता है गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब कि गवर्नमेंट को अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है तो उनके पास फंड को कलेक्शन के लिए उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू के साधन जो होते हैं वो केवल दो होते हैं, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज। हमें ये पता है कि गवर्नमेंट कंपनीज हमेशा सोशल वेलफेयर पे काम करती हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू रेवेन्यू का जो सोर्सेस है वो बिल्कुल लगभग लगभग निल है, तो एकमात्र सोर्स बच जाता है क्या, टैक्स। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक वेलफेयर के लिए करना है तो उसके पास एकमात्र ही सोर्स बच जाता है क्या, टैक्स। तो टैक्स के ही थ्रू गवर्नमेंट फंड को कलेक्ट करती है और जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करना वो चालू करती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये टैक्स होता क्या है। टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज विच इज imposed by government on the income of the person and as well as goods and services। इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि आखिर ये टैक्स होता क्या है। टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स है ये क्या है, एक कंपल्सरी चार्ज है विच इज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। सर क्या ये कंपल्सरी चार्ज है? हां ये कंपल्सरी चार्ज है। इसका मतलब ये है कि पर्सन की ये इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है कि वो टैक्स दे या नहीं दे। इसका मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना ही पड़ेगा। पब्लिक पर चार्ज करेगी और कहां चार्ज करेगी, कौन चार्ज करेगा, गवर्नमेंट चार्ज करेगी। सर कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी। क्या स्टेट गवर्नमेंट? हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी। क्या दोनों? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी। क्या ये कंपल्सरी चार्ज है कि विलिंगनेस पे है? नहीं ये कंपल्सरी चार्ज है ऑन द
इनकम ऑफ द पर्सन, इसका मतलब पर्सन के किस पर चार्ज किया जाएगा, इनकम पे चार्ज किया जाएगा, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज। इस स्टेटमेंट से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये टैक्स नाम की जो बीमारी है ये लगाता कौन है, ये किस पे लगाया जाता है। तो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। कहाँ लगाती है, पर्सन के इनकम पर और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टैक्स इज द कंपल्सरी चार्ज, ये विलिंगनेस पे नहीं डिपेंड करता है, ये कंपल्सरी चार्ज है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, पर्सन के इनकम पर और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज पर। अच्छा, तो इस तरीके से टैक्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया, टैक्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहला नाम दिया गया क्या, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा नाम दिया गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सर, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब विच इज इंपोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन एंड दोज पर्सन आर पर्सनली लाइबल टू पे फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विच इज इंपोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि पर्सन के इनकम पर लगाया जाता है, और जिस पर्सन के इनकम पे लगाया जाता है वही पर्सन पर्सनली लाइबल है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जाम्पल होता है, और वो कौन सा होता है, इनकम टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। विच इज इंपोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेस। एंड बर्डन ऑफ टैक्स अल्टीमेटली शिफ्टेड टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल, GST। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है कहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज पर। और जो टैक्स हम इंपोज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसका जो बर्डन है अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाता है कहां पे, कंज्यूमर पर। इसका एक एग्जाम्पल है कौन सा, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसका मतलब कि जब हम टैक्स को हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि टैक्स क्या है, एक चार्ज है, और वो चार्ज कौन सा है, ये कंपलसरी चार्ज है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। किस पे लगाती है? पर्सन के इनकम पे लगाती है और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है। ये तो हो गई टैक्स की मीनिंग। उसी टैक्स की मीनिंग से हमने सेग्रीगेट किया जब, तो हमें ये पता चला कि टैक्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा डिवाइड किया गया है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स कहा गया कि हम इंपोज करते हैं, गवर्नमेंट इंपोज करती है किस पे? इनकम ऑफ द पर्सन, पर्सन के इनकम पर इंपोज किया जाता है। और जिस पर्सन के इनकम पर इम्पोज्ड किया जाता है वही पर्सन पर्सनली लाइबल है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने के लिए। एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जो डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है लेकिन उसका जो अल्टीमेटली बर्डन है वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद वो शिफ्ट हो जाता है कहां पर? कंज्यूमर के ऊपर। और किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। इसका मतलब ये होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब कोई गुड्स प्रोड्यूस करती है तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से टैक्स वसूल लेती है। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स किसको सप्लाई करता है? होलसेलर को। तो वो होलसेलर से ले लेता है। होलसेलर अपना गुड्स किसको सप्लाई करता है? जी रिटेलर को। वो रिटेलर से ले लेता है और रिटेलर अल्टीमेटली किसको गुड्स को सेल करता है? कंज्यूमर को। तो रिटेलर किससे ले लेता है? कंज्यूमर से ले लेता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन में हमने ये देखा कि जो टैक्स का बर्डन है वो टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आकर के गिर जाता है? कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये टैक्स की मीनिंग क्या है और टैक्स कितने प्रकार का होता है और इस पर किस तरीके से गवर्नमेंट इंपोजिशन करती है और किस तरीके से टैक्स वसूलती है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स को भी कंट्रोल एंड सुपरविजन करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को भी कंट्रोल एंड सुपरविजन करना है, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो बोर्ड बनाए। कौन कौन से? CBDT, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, IDT इनडायरेक्ट टैक्स, इसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए दूसरा बोर्ड बनाया। कौन सा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसे कहा जाता है CBIC। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो बोर्ड बनाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, किसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करेगा? डायरेक्ट टैक्स को। दूसरा बोर्ड बनाया CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, किसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स जब आपने पढ़ा और इनडायरेक्ट टैक्स आपने जब पढ़ा तो आपको पता चला कि डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और एक ही एग्जाम्पल होता है इसका, कौन सा? इनकम टैक्स। और जब इनडायरेक्ट टैक्स को आपकी उसकी मीनिंग पढ़ी तो आपको पता चला कि उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें पढ़ना क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा बैकग्राउंड था कि किस तरीके से टैक्स की मीनिंग को हम समझते हैं, कौन लगाता है टैक्स, किस पे टैक्स लगाया जाता है, कौन पर्सनली लाइबल होता है टैक्स का पेमेंट करने के लिए और उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या?
इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा होता है क्या, इनकम टैक्स रूल 1962। सर इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है 1961, इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962, ये क्या होता है? एक्ट, एक्ट ये कहता है कि पब्लिक के इनकम पर टैक्स लगेगा, बस ये होता है हमारा। कहां पे लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स रूल 1962, टैक्स तो लगेगा किस पे? पर्सन के इनकम पर। ये चीजें कहां बताई जाती हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन ये टैक्स पर्सन के इनकम पर कैसे लगेगा, इनकम को किस तरीके से असेस किया जाएगा, पब्लिक अपनी इनकम को किस तरीके से गवर्नमेंट को बताएगी, किस रेट से टैक्स लगेगा, ये सब सारी चीजें किस में बताई गई हैं? इनकम टैक्स रूल 1962। एक्ट, एक्ट का मतलब, एक्ट कैसे तैयार होता है? जब एक्ट को बनाना पड़ता है तो पार्लियामेंट में एक बिल पारित किया जाता है। बिल पास जैसे ही हो जाता है उस बिल पर प्रेसिडेंट के अपने सिग्नेचर हो जाते हैं, और जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है वो बन जाता है एक्ट। तो हमारा इनकम टैक्स जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकम टैक्स से संबंधित जो नियम बताए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो किसमें दिए गए हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और कुछ बातें किसमें बताई गई हैं? इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स शुरू करने से पहले हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको देखने से पूरा का पूरा इनकम टैक्स उसी में समायोजित हो जाता है। एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। सर आपने टैक्स के मतलब तो बता दिए कि टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट इंपोज करती है। कहां इंपोज करती है? पब्लिक के इनकम पर। ठीक है, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि पर्सन लाइबल है पेमेंट करने के लिए क्या, टैक्स। किस पर? अपने अपने इनकम पर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? रेसिडेंशियल स्टेटस की अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि पर्सन, इस पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं जिनके इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता। टैक्स को तो समझ गए हम, फिर उसके बाद हमें समझना पड़ेगा क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब कि पब्लिक को अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही अपने इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। किसको पेमेंट करना पड़ता है? गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है सर, ये पर्सन में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? पर्सन, गवर्नमेंट कहती है कि हम पब्लिक के इनकम पर टैक्स वसूलते हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि हम पब्लिक के इनकम पर टैक्स वसूलते तो हैं, लेकिन वो जो फंड हम कलेक्ट करते हैं टैक्स के रूप में, हम पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक एक्सपेंडिचर के खर्च करने के लिए ही हम वसूलते हैं।
ठीक है, तो पर्सन में कौन कौन से आ जाएंगे? तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें चुनना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इस पूरे कंट्री में इनकम कमाते हैं। तो गवर्नमेंट से पूछा गया, अच्छा कौन कौन से लोग हैं? तो उन्होंने कहा, एक तो आते हैं इंडिविजुअल, अकेला आदमी जो कि कमाता है और खाता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या? एचयूएफ। तीसरा क्या आता है? पार्टनर सी फर्म। चौथा कंपनी, कंपनी में दोनों आ जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। उसके बाद आ जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बोलते हैं BOI, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, और एक लास्ट और आता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे कंट्री में मेरे हिसाब से इतने तरीके के लोग हैं जो कि काम करते हैं, और इनके इनकम को हम असेस करेंगे और उस हिसाब से हम इनके इनकम पर टैक्स वसूलेंगे। पहला बताया गया इंडिविजुअल, दूसरा क्या गया एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, चौथा कंपनी, कंपनी में आपकी डोमेस्टिक कंपनी भी आएगी और फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और लास्ट आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी। ये 7 तरीके के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनकम अर्न करते हैं और अपनी इनकम पर गवर्नमेंट का टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। पर्सन को कितने तरीके के पर्सन है ये समझने के बाद इनकम टैक्स में 2 ऐसे वर्ड आते हैं जिसको समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स में 2 वर्ड आते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर इस समय चल रहा है 23 और 24, तो पब्लिक ने पूछा कि गवर्नमेंट से कि क्या 23-24 की जो इनकम होगी क्या हमें इसी साल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। 23-24 में अभी आप कमाइए, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं उसको? प्रीवियस ईयर। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 और 24, 23-24 का मतलब जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 से, और ये अप टू कहां तक जाएगा? 31 मार्च कहां 2024। इसका मतलब काम करने वाला, बिजनेस करने वाला खूब इनकम भर भर के कमाएगा और उसको टैक्स की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उससे कह दिया है कि पहले आप कमाओ, जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उस साल के इनकम ईयर को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। अच्छा सर, हमने इस साल कमा तो लिया, 1 अप्रैल 2023 से हमने 31 मार्च 2024 तक हमने इनकम तो अर्न कर लिया, तो सर हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा कब? तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगले साल जिस साल आपने इनकम को अर्न किया उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और अगले वर्ष कमाए हुए इनकम पर
आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि एसेसिंग ऑफिसर कहा जाता है, आपके इनकम को असेस करेगा उस साल के, हम बोलते हैं क्या, असेसमेंट ईयर। इसका मतलब 23-24 में कमाई गई इनकम पर हमें टैक्स का पेमेंट कब करना पड़ता है, अगले साल, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 2024 और 25। इसका मतलब कि जिस साल इनकम अर्न किया जाता है, द इनकम विच इज अक्रूड और द इनकम विच इज अर्नड ईयर, कौन सा, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में कमाए हुए इनकम पर हमें अगले साल टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। एसेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम को असेस करता है किसमें, 2024-25 में, जिसको नाम दिया गया क्या, असेसमेंट। इसका मतलब कि आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये टैक्स होता क्या है, टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है जो कि कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। सर कहाँ लगाया जाता है, पब्लिक के इनकम पे लगाया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो टैक्सेस पब्लिक के इनकम पे लगाया जाता है उसे हम कहा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होता है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो बोर्ड बनाए, कौन सा, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, किसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स को। और दूसरा बोर्ड बनाया क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, किसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, अब हमने टैक्स की मीनिंग भी समझ लिया। इनकम टैक्स में हमने दो चीजों को समझा, एक हमने प्रीवियस ईयर को समझा और असेसमेंट ईयर को समझा। क्या समझा कि सर जिस साल हम कमाएंगे क्या उसी साल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं, जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उस साल को हम क्या बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, प्रीवियस ईयर। और अगले साल हम उस इनकम को असेस करते हैं और अगले साल हम उस टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे क्या, असेसमेंट ईयर। पर्सन, कौन कौन से पर्सन, एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन दियर इनकम एज पर दियर रेसिडेंशियल स्टेटस। हमने टैक्स को समझा, हमने पर्सन के मतलब को समझा कि कौन कौन से पर्सन जो होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने के लिए लाइबल होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी। इसके बाद आगे हम लोग चैप्टर पे हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि टैक्स तो लगाया जाता है पर्सन के इनकम पर, लेकिन कितना लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।